आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सहयोगिता बड़वानी। जिले के अंजड़ के समीप नर्मदा घाटों पर नर्मदा जयंती का पावन पर्व बड़े ही हर्षों उल्लास व भक्ति भाव के साथ मनाया गया। आज सुबह से ही नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी, जो दिन भर चलती रही। वहां हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर श्रद्धा के साथ डुबकी लगाए। अंजड़ के समीप नर्मदा तट किनारे स्थित ग्राम मोहिपुरा में नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर मां रेवा आश्रम के तत्वावधान में साध्वी अखिलेश्वरी देवी के सानिध्य में कई धार्मिक आयोजन संपन्न किए गए। दीदी मां अखिलेश्वरी जी के सानिध्य में सुबह 6 बजे से पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया गया। दुग्ध से अभिषेक कर महाआरती की गई। पश्चात मोहिपुरा के शिव मंदिर से बैंड बाजों के साथ भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई, जो श्रद्धालुओं द्वारा नाचते गाते नर्मदा तट पहुंची, जहां मां नर्मदा जी को श्रद्धालुओं द्वारा 700 मीटर की तीन कुल 2100 मीटर की विशाल चुनरी चढ़ाई गई। पहली चुनरी ठीकरी के दिलीप सिंह रणजीत सिंह द्वारा, दूसरी चुनरी मोहिपुरा के करण सिंह बोखार सिंह तथा तीसरी चुनरी बरनाला निवासी ऋतुराज सिंह चौहान द्वारा चढ़ाई गई। उसके बाद 700 कन्याओं का पूजन कर कन्या भोज करवाया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। नर्मदा तट किनारे दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा व हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा जी में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ लिया। इसी तरह छोटा बिरदा स्थित गणेश्वरी घाट पर कन्या पूजन व भोज का आयोजन किया गया, जिसमें 1100 कन्याओं को वस्त्र भेंट कर भोजन प्रसादी वितरित की गई व ग्राम में शोभा यात्रा निकाली गई। आज नर्मदा जयंती है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि माँ नर्मदा शिव लोक से चंद्रवंशी राजा हिरण्यकश्यप की तपस्या के कारण मृत्यु लोक में आई है हम लोगों को पवित्र करने के लिए। और माँ नर्मदा एक ऐसी दिव्य माँ है कि वो हमारे तन को नहीं, हमारे मन को, यहाँ तक कि श्रद्धा और भक्ति से हम जाएं तो हमारी पूर्वजों को भी माँ नर्मदा तारती है। तो ऐसी तारिणी माँ नर्मदा के आंचल को हम सदैव स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाने का पूर्ण प्रयास करें। जो माँ हमारे पूर्वजों तक को तारती है, हमें शुद्ध करती है, निर्मल करती है, उस माँ के तट और आंचल को गंदगी से हम सदैव बचाएं। माँ नर्मदा के पावन जन्मदिन पे हम सभी श्रद्धालुओं को संकल्प लेना है कि हमें माँ के तट को और आंचलों को सदा शुद्ध और पवित्र रखने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। नर्मदे, नर्मदे।